ग्राम सभा में खेला, ग्राम प्रधान सरोज जी भी, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। सुभाष चंद्र भाट क्या लगते हैं उनके उनके पति हैं। विकास कार्यों को लेके क्या समस्याएं होती हैं आपके गांव सभा में? विकास कार्यों को लेकर के समस्या तो उत्पन्न होती हैं, इसलिए विवाद कर लेते हैं। तो जो विवाद करते हैं लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश ये देना चाहिए कि विकास कार्य में बाधा ना डालें, जो हो रहा है उसको बढ़िया से होने दें। अभी ब्लॉक स्तर से जब आप ब्लॉक पे जाते हैं तो ब्लॉक के अधिकारी आपको किस ढंग से योजनाओं के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हैं आपके साथ? ब्लॉक पे जाते हैं जब हम, तो ब्लॉक का जो वीडियो साहब है मीटिंग में बताते हैं कार्य करने के लिए। डोंगल किसके पास है? डोंगल मेरे पास है। डोंगल क्या होता है? डोंगल से तो नहीं जानते हैं, किससे पेमेंट लगता है वही होता है। डोंगल बनवाने के नाम पर कितना पैसा देना पड़ा? वो तो बहुत पहले पसखली, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 सौ रुपये पहले ज़्यादा। 2-4-5 सौ रुपये। अभी आईडी वगैरह जनरेट कराते हैं तो कैसे कराते हैं आईडी जनरेट, क्या तरीका है उसका? आईडी का तरीका तो आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो बन रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो यहाँ ब्लॉक से आईडी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी काम की आईडी बनवाते हैं, पहले तो आईडी बनती है, तो आईडी बनने के बाद की कार्रवाई क्या होती है, किस प्रकार से आईडी बनवाते हैं? आईडी तो बनवाते हैं तो भाई जो आप कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, जानते ही हैं, लेकिन आईडी बनवाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम आपको सत्य बता रहे हैं। अच्छा, आरएसजेई को कितना कमीशन देना पड़ता है? अरे भाई मांगने को तो बहुत मांगते हैं, 5% 6% ऐसे मांगते हैं। 5-6% आरएसजेई सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी साहब लोग तो जानते ही हैं, आप हमेशा 10% मांगते हैं। वीडियो साहब का भी इसी प्रकार? नहीं, उसमें वीडियो साहब उनका नहीं, हम गलत नहीं। अभी जो आपका खड़ंजा लगा आपके घर के पास में, अभी 70 मीटर आपने खड़ंजा पे, तो आपके घर के पास जो खड़ंजा लगा वही दबना शुरू हो गया, 1 साल भी नहीं बीता। नहीं, बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये तो जैसे कि बहुत गड्ढा था, उसको पाट करके ही बनाया गया है। मिट्टी दब गई, इसमें कोई वो नहीं है। ईंट का प्रयोग खड़ंजे में जो हुआ है वो कौन सी ईंट होगी? इसमें नंबर 1 की होगी ईंट, आप देख लीजिए। नंबर 1 की ईंट पीली होती है, आप देख लीजिए। अभी आपके सामने दिख रहा है पीला पीला। आप वहाँ जाएंगे तो जहाँ से हम लिए थे भैया, हम सत्य बता रहे हैं आपके, जिस भट्टे से लिए थे वो नंबर 1 के ही ईंट दिए थे, लेकिन कुछ हमारे साथ वो गद्दारी थी, चूँकि हम नए नए थे। इस बात को मानते हैं, मतलब जब आपके घर के ही सामने जो वर्क हुआ, नहीं तो ऐसे हम उसमें ही गड़बड़ हो गया, पैसा तो उसने 1 नंबर का। हम सच्चाई बता रहे हैं, उनको अपने घर बुलवाए थे, हमारे घर के सामने अरे पैसा तो पेमेंट कर दिए थे, यही सच्चा है, यही गड़बड़। अच्छा, जो डम वो अभी आप काम करवा रहे हैं अपने घर से करीब 200 मीटर जिस स्थान पे वो मंदिर है, वो कौन सा स्थान है? लोलपुर है। लोलपुर में इंटरलॉकिंग का काम कराएंगे आप? इंटरलॉकिंग में हम देख रहे हैं कि वहाँ भी तो इसी तरह से मिट्टी है। नहीं तो मिट्टी पे नहीं लगाया गया है ना, आप देखिएगा, आप आएंगे तो हम गिट्टी फोर कर ही लगेंगे। अच्छा, गिट्टी फोर कर तब लगेंगे, और उसके बाद गिट्टी फोर के फिर उसके बाद जो है सफ़ेद बालू से उसमें, जैसे कि बालू में लाल बालू में सीमेंट मंजर कर फिर उसे छिड़काव करके तो उसके बाद सफ़ेद बालू दिया जाएगा, हम ऐसा करवाएंगे। अच्छा, मतलब आप क्वालिटी का ध्यान रखेंगे? हम करवाए हैं प्राइमरी स्कूल। अच्छा, आपका संगठन एक है, एक प्रधान को गाली दे दिया था किसी अधिकारी ने, क्या कहना है, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, प्रधानों के साथ अकलती क्यों हो रही है अधिकारियों की? बात तो सही है आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रधान के साथ जो हुआ हम तो देखे नहीं, लेकिन जो प्रधान जी बताए उस हिसाब से जास्ती हुआ। FIR वगैरह हुआ? नहीं, प्रधान जी तैयार थे, लेकिन उनके घर कोई मतलब जिसके से भी बात था उनका, तो इस बार कर गया था लड़का उड़का, इसलिए नहीं की सहानुभूति होगी।
संगठन आपका आपकी समस्याओं को उठाता है? हाँ, संगठन तो उठाता है। संगठन में एक्टिव, संगठन में एक्टिव पर्सन का नाम बताएं, जो लोग समस्याओं को लेके एक्टिव रहते हैं। यही हमारे अध्यक्ष जी हैं, राजेश यादव प्रधान हैं, और राजनाथ मास्टर हैं प्रधान हैं, उनकी पत्नी प्रधान गुरजेश सिंह हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं योजनाओं के बाबत, गांव में किस प्रकार से काम करना है? पहले दो चार मीटिंग हुई थी, इस समय तो नहीं करवा रहे। मीटिंग अलग होती है और ट्रेनिंग अलग होती है। अच्छा अच्छा, मीटिंग और ट्रेनिंग का अंतर समझ में आता है? हाँ, बहुत अंतर आता है। क्या है मीटिंग? मीटिंग मतलब काम को समझाया जाएगा, और ट्रेनिंग मतलब उसको बताया जाएगा कैसे कराना है। प्रधान जी, दोनों में बताया और समझाया जाना है, ये तो कोई हुई नहीं बात। जैसे कि अभी योगी जी का फार्मूला है कि भाई गरीबों को तंग न किया जाए, आपके गांव में अतिक्रमण वगैरह है कि नहीं है जमीनों पे? ऐसा बहुत कुछ तो नहीं है। अच्छा, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए गांव में ज़मीनें हैं आपके पास? सरकारी जमीन मतलब पहले से प्रधान जी बांट दिए हैं, सब सब बट गया है। बट गया है। मान लीजिए बच्चों के कंप्यूटर के लिए अगर आपको नंद घर चाहिए, तो फिर कैसे बनेगा वो नंद घर गांव में, बच्चों के विकास के लिए, पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए नंद घर के लिए फिर तो जगह चुनना पड़ेगा। मिल जाएगी? मिल जाएगी। आप कह रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, हमारी जानकारी में तो नहीं है, तुम क्या नंद घर क्या होता है? अभी तो भैया बताए हैं कि छोटे बच्चों के लिए। मतलब भैया बताए हैं तो जानते हैं आप, उसके पहले जानकारी नहीं थी? उसके पहले जानकारी नहीं थी, नया नाम सुना है ना। कमियां मानते हैं?